Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. इन दीवारों पर चस्पा पोस्टर्स को देखिए, देखिए इन नाकामी के इश्तिहारों को देखिए, जिनमें वोटर्स ने निकाल दिया है अपने दिल का गुब्बार और कह दिया है नो मोर फूल बनाना इस बार। किस लिए वोट देंगे हैं? किस लिए वोट देंगे हैं? तो क्या कोई अन्य विकल्प है या फिर खाली मतलब किसी को? आज लोग आए थे कहे के लिए हम लोग समाधान करेंगे, बस यही विकल्प है। आए कहे समाधान बहुत जल्द से जल्द करेंगे, तो वादे खाली हो रहे हैं। तो वादे किए हैं लोग, पिछले आज ही आए थे लोग। आज 10 दिन से पानी, हम इतना पानी हम लोग आओता आज की जगह आज किस तरह वहाँ साफ कराए हैं, चलिए देखा। अब हम लोग वोट देने के लायक भी नहीं रह गए, सक्षम भी नहीं है कि हम लोग वोट दे, क्योंकि अपने से ही अपना कार्य करना है। न कोई पानी का निकासी है, कौन मेरा नेता, कौन मेरा मंत्री, कौन सभासद, उसी को हम लोग नहीं मानते। कहाँ वोट देते थे आप लोग? भाजपा को देते थे, लेकिन इस बार नाराजगी है। हाँ, हमने ये नहीं कहा कि भाजपा हो चाहे सपा हो, कोई किसी का नाम नहीं ले रहे पर्टिकुलर, लेकिन बट ये कह रहे हैं हमारा जो समाधान करेगा मैं उसको वोट दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। तो सुना आपने कितना खफा है ये वोटर। जी, नेताओं के लिए ये सिर्फ वोटर ही तो है, लेकिन भूल गए मंत्री जी। चौंकिए मत, ये मंत्री जी के ही इलाके के लोग हैं। वाराणसी दक्षिण विधानसभा के नवाबगंज वार्ड के कैबल्य धाम के लोग, जो कहते हैं गंदगी के मारे हैं, पानी को तरसे बेचारे हैं, बंदरों आवारा पशुओं से परेशान हैं। तो ठान ली है कि बीजेपी विधायक और मंत्री नीलकंठ तिवारी को सबक सिखाएंगे। आज तक पानी की समस्या हमारी हल हो पाई, न सीवर की समस्या हल हो पाई, बंदरों का आक्रमण अलग है, कुत्तों का जो आवारे कुत्तों का आक्रमण अलग है, गंदगी चारों तरफ है। आज थोड़ी सी सफाई आपको रोड पे दिख रही है, परंतु घर के ठीक सामने आप देखिए दो दो तो कूड़ा का ढेर है। ये शॉर्टकट मारा गया है, खाली वह कूड़ा उठाओ और सामने फेंक दो, और देखना है तो आप सामने देख लीजिए। अब हम लोग क्या इंसान नहीं है? हम लोग खाली वोटर हैं? अगर हम वोटर हैं बस हमको 5 साल के बाद में यूज किया जाता है, तो ऐसे में क्या आप लोग वोट नहीं देंगे? अब वो तो हमारी जो कि समस्या जहाँ पे जैसे हल होगा उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। तो लोग भड़के हुए हैं मंत्री जी के काम से, और ऊपर से ये भी देखिए कि ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, और यहाँ की तस्वीरें हैरान जरूर करती हैं और बीजेपी को परेशान भी कि कहीं भाई यहाँ से भी खदेड़ा ना हो जाए। वाराणसी से यूपी तक के लिए रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।